नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आज लालू परिवार के लिए चिंता की स्थिति थी, लेकिन लालू परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर लालू परिवार को जमानत दे दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए जो चिंता की स्थिति थी, उनमें फिलहाल जो है वो राहत की बात है। और जमीन के बदले नौकरी घोटाले जिसको लेकर लगातार छापेमारियां भी हुई, CBI की ओर से चार्जशीट दायर की गई थी और इसको लेकर लगातार सुनवाई हुई, और जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आ गया था तो उसके बाद लालू परिवार के लिए जो चिंताजनक स्थिति थी वो और बढ़ गई थी। तो ऐसे में अब कोर्ट ने फिलहाल लालू परिवार को एक राहत दे दी है और 50,000 के जो निजी मुचलके पर जो जमानत है वो लालू परिवार को फिलहाल दे दी गई है। और इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 16 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि लालू परिवार के साथ साथ रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इस मामले में शामिल हैं, और लालू परिवार के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो इस दौरान उन्होंने जमीन लेकर लोगों को नौकरियां दी थी और कई जो रेलवे के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी ज़मीन देकर जो उन्होंने रेलवे में नौकरियां पाई थी, और इसको लेकर लगातार छापेमारियां हुई। लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर CBI ने रेड किया, उसके बाद पुख्ता सबूत के बाद जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है यानी कि CBI की जो विशेष अदालत है उसमें मामला दाखिल किया गया था, और हाल के दिनों में ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई थी जिसमें तेजस्वी यादव का नाम था। तो ऐसे में अब जब आज सुनवाई हुई तो आज लालू परिवार के लिए आज राहत की बात है, और सिर्फ लालू परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राजद खेमे के लिए राहत की बात है। और अब रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर ट्वीट कर कहा है कि लालू प्रसाद यादव जिन्होंने गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की भलाई के लिए जाने जाते हैं, उनको भाजपा फंसाने का षड्यंत्र रच रही है और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला जो मामला है उस पर सियासत भी खूब हुई है। लालू परिवार का सीधा आरोप केंद्र सरकार की ओर हमेशा रहता है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करें और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लालू परिवार का ये कहना है कि हम बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती नज़र आती है कि जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सियासतों के बीच लालू परिवार को एक बड़ी राहत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी है। तो ऐसे में फिलहाल ये राहत की बात है। लालू परिवार के वकील की ओर से भी कई दलीलें दी गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, और 16 अक्टूबर को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो अब उसमें देखना होगा कि आखिर कोर्ट इस जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ क्या कुछ फैसला सुनाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ।